हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली दोस्तों, आप लोगों के सामने खड़ी हुई है ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NS160। जी दोस्तों, NS160 का एक नया मॉडल है, कंपनी ने अभी अभी इसे लॉन्च किया है। दोस्तों, आज के शो में फाइनली इस बाइक का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कंपनी ने इसमें क्या अपडेट लाया है, क्या कुछ नया आपको मिल रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आई होप दोस्तों, ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप नई वाली NS160 के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पहुँचते रह सके। वीडियो शूट करो दोस्तों रायपुर अरुण बजाज में। अगर आपको बजाज से रिलेटेड कोई भी बाइक खरीदनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी बजाज की बाइक खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं इस बाइक के रिव्यू में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। देखिए, लास्ट टाइम NS जो पुराना मॉडल है वो आपको एक्स शोरूम प्राइस आता है लगभग 1,36,000, 1,36,000 रुपये के आसपास की आपको वो एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती थी पुरानी वाली मॉडल। लेकिन दोस्तों, जाहिर सी बात है, इसमें कंपनी ने अपडेट लाया है, LED दिया है, डिजिटल मीटर दिया है, तो ऑलमोस्ट 4,000 से 5,000 रुपये के आसपास का प्राइस कंपनी इसका बढ़ाएगी। ऑलमोस्ट मान के चलिए 1,40,000 से 1,41,000 रुपीज़ के आसपास की जो है ये आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी। थोड़ा तो कंपनी प्राइस बढ़ाएगी भाई, जाहिर सी बात है LED और डिजिटल मीटर का अपडेट है, इतना प्राइस तो भाई बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। चलिए आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के रिव्यू में। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं इस बाइक की फ्रंट लाइट में। तो जैसे ही दोस्तों मैं इसकी की ऑन करूँगा, लेकिन इसकी जो लाइट है वो ऑन नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि की मिली होगी। ये मैं ऑन करता हूँ तो DRL ऑन नहीं हो रही, शायद चालू करने के बाद ही इसकी जो DRL है वो ऑन हो जाएगी। एक बार मैं इसे ऑन करता हूँ, हाँ ऑन करने के बाद ही जो है इसकी लाइट ऑन होने वाली है। तो भाई देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप जैसे की ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब आप व्हीकल को ऑन करेंगे तो ही इसकी जो लाइट है वो ऑन होने वाली है। आपको इसकी लाइट दिखाता हूँ, मैंने बाइक ऑन कर दी, जब मैंने बाइक ऑन कर दी तब दोस्तों इसकी जो लाइट है वो ऑन हुई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको बाइक में सबसे पहले LED जो DRL लाइट है वो आपको देखने को मिल रहा है। मेन लाइट में दोस्तों बाइक में आपको फुली जो LED लाइट है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये LED DRL लाइट है एंड मेन लाइट में बाइक में आपको LED लाइट देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही प्रीमियम और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि NS में ये अपडेट आए, LED लाइट वाला अपडेट आए, एंड फाइनली दोस्तों अपडेट आप लोगों के सामने है कि बाइक में आपको फुली LED लाइट मिल रही है। और एक बार मैं आपको इसकी लाइट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं लाइट की इल्यूमिनेशन एंड जो विजिबिलिटी है वो भी आपको बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाती है। तो ये अपडेट सबसे पहले आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें इसके स्पीडोमीटर के बारे में, सबसे पहले आप की देख लीजिए, इस टाइप की मिलती है जिसमें आपको बजाज की बैचिंग भी मिल जाती है। बात कर ले दोस्तों इसके स्पीडोमीटर के बारे में, दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि NS में फाइनली आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल रहा है, जिसका हम काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे एंड फाइनली वेट इज़ ओवर। अब आपको NS 160 एंड 200 दोनों में आपको फुली डिजिटल मीटर जो है देखने को मिल जाता है। बात करें फीचर्स के बारे में, फीचर्स में दोस्तों इस बाइक में सबसे पहले आपको टेकोमीटर मिल रहा है जिसे RPM मीटर कहते हैं। यहाँ पे आपको बाइक में क्लॉक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको बाइक में गियर इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पे आपको बाइक में स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको बाइक में ओडोमीटर मिल रहा है, साथ में यहाँ पे आपको मेन स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे लो ऑयल इंडिकेटर है, इंजन माल फंक्शन लाइट है, ABS की लाइट मिलता है, और ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर भी आपको बाइक में मिल जाता है। दो स्विचेस दिए हैं जिसे आप इसे चेंज करके देख सकते हैं और क्या फीचर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पल्सर की बैचिंग, एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर, ट्रिप वन ट्रिप बी, साथ में दोस्तों आपको बता दूँ इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिलेगी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी आपको बाइक में मिल जाता है। तो ये अपडेट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आई होप कंपनी ने फाइनली ये अपडेट जो है इस बाइक में दे दिया है। ठीक दोस्तों, स्विचेस में आप देख पा रहे हैं पास स्विच है, आप ऐसे पास मार सकते हैं। एक नया स्विच दिया है कंपनी ने स्पीडोमीटर कंट्रोल करने के लिए, ये टर्न सिंगल लैप है, आपको बताना भूल गया। टर्न सिंगल लैप भी आपको फाइनली LED मिल जाते हैं, यू कैन सी फुल LED टर्न सिंगल लैप कंपनी ने दिया है। ये इसका सेल्फ का स्विच है, यहाँ पे इंजन के लिए स्विच है, एक आपको इसका DRL के लिए स्विच दिया है कंपनी ने। ठीक, साथ में आपको यहाँ पे एक सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाता है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के कुछ और अपडेट के बारे में, तो कंपनी ने जो मेजर अपडेट लाया ये दो अपडेट लाए, एक आपको LED लाइट मिल रही है और एक आपको फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है। बाकी फ्रंट में आपको बाइक में 31mm के USD यानी कि अप से डाउन सस्पेंशन मिलते हैं। कंपनी ने काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छे सस्पेंशन दिए हैं,
फ्रंट टायर साइज में दोस्तों आपको बता दूं बाइक में 180 800 का आसपास का जो टायर साइज है वो आपको बाइक में फ्रंट में देखने को मिल जाता है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के ब्रेकिंग के बारे में। दोस्तों ब्रेकिंग में स्पेशल फीचर में इस बाइक में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको जो प्लेट साइज मिलती है दोस्तों आपको 300 mm की जो प्लेट साइज है दोस्तों कंपनी ने इस बाइक में फ्रंट में यूज किया है। चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इंजन टाइप में 160.3 सीसी का ऑयल कूल ट्विन स्पार्क प्लग DTSI FI सिंगल सिलेंडर इंजन बाइक में आपको देखने को मिलता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में दोस्तों, ये मैक्सिमम पावर में 17.2 का PS पावर जनरेट करती है एंड 14.6 के आसपास का न्यूटन मीटर टॉर्क आपको बाइक में देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों बाइक में आपको पावर इन जो टॉर्क है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। दोस्तों वन नंबर ऑफ सिलेंडर के साथ में इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो बोर साइज़ है वो आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है। कूलिंग सिस्टम में ऑयल कूलिंग इंजन मिलेगा। कंपनी ने यहाँ पे छोटा सा रेडिएटर यूज़ किया, आप देख सकते हैं ऑयल कूलिंग इंजन के लिए। प्लस दोस्तों बाइक में आपको नंबर ऑफ 4 वॉल्यूम मिलते हैं। 5 गियर के साथ में ये बाइक आती है। इसमें आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट जो क्लच है वो आपको बजाज की तरफ से इस बाइक पे देखने को मिल जाता है। सो ये था दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए माइलेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल पे, आप कैसा राइड कर रहे हैं। हर किसी के राइड करने का तरीका काफ़ी अलग होता है, बट फिर भी दोस्तों ये बाइक मिनिमम आपको लगभग जो है मेरे हिसाब से भाई मिनिमम 45-40 का माइलेज ये इजिली ऑफर कर देती है डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्किल। 0-100 में इस बाइक को लगभग 14 सेकंड के आसपास के लगते हैं। इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको लगभग 120-130 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको इस बाइक में मिल जाती है। अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। सबसे पहले आपको इसकी टेल लाइट दिखाऊं। टेल लाइट में बाइक में आपको LED टेल लाइट मिलता है। मैं आपको ब्रेक मार के दिखाता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे आपको LED टेल लाइट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसके जो रियल ग्रेबल्स है आप देख पा रहे हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे आपको NS160 की बैचिंग मिल जाती है। रियर फुटरेस्ट क्वालिटी भी बहुत सुपर आते हैं इसमें। रियर में आपको बाइक में नाइट्रो मोनोसॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। सस्पेंशन की क्वालिटी भी आपको बहुत सुपर मिल जाती है। टायर साइज में दोस्तों रियर में इस बाइक में आपको 130-70 के टायर साइज मिलते हैं। लास्ट टाइम कंपनी ने अपडेट दिया था और बजाज NS200 वाला सेम मीटर NS200 वाला सेम टायर NS160 में भी डाल दिया था। प्लस रियर में आपको बाइक में जो टायर साइज मिलता है दोस्तों, ब्रेकिंग प्लेट मिलता है 230 mm की ब्रेक प्लेट आपको रियर में देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसमें आपको बता दूं एग्जॉस्ट अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है। आप इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट भी ले लीजिए कैसा ये साउंड करती है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन है। बजाज इंजन में भी काम कर रहा है, इसमें भी इंजन ने भी अच्छी तरीके से इन्होंने काम किया है। वाइब्रेशन भी बहुत कम किया है और बाइक की परफॉर्मेंस भी बढ़ाने में इन्होंने ध्यान दिया है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। बाइक की ओवरऑल लेंथ है 2017 mm की। बाइक की ओवरऑल विड्थ है 804 mm की। बाइक की ओवरऑल हाइट है दोस्तों 1060 mm की। बाइक की जो सीट हाइट है दोस्तों वो लगभग 805 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 170 mm की है। बाइक का जो कर वेट है दोस्तों वो 152 kg का है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 12 लीटर की है। फ्यूल रिजर्व कैपेसिटी आपको 2.4 लीटर के आसपास की बाइक की देखने को मिल जाती है। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NS160 LED लाइट का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू विथ फुली डिजिटल मीटर। अब आप लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये बाइक कैसी लगी। सो उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद। वंदे मातरम।